वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइंस डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइंस डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्टली डिफेंस व्यूअर्स को ये तो पता होगा कि इंडियन नेवी ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट के लिए प्रपोजल मांगा था, जो कि पुराने पड़ चुके MiG-29 को रिप्लेस करना चाह रहे थे। इंडियन नेवी के इस प्रपोजल के रिस्पॉन्स के तहत दो एविएशन इंडस्ट्री ने अप्लाई किया था, जिसमें सबसे पहले था फ्रांस का राफेल मरीन और दूसरा एयरक्राफ्ट बोइंग का सुपर हॉर्नेट था। दोनों ही एयरक्राफ्ट प्योर नेवल यूज के लिए डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए गए थे। कई पैरामीटर पे दोनों ही एयरक्राफ्ट को INS हंसा और INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर पे टेस्ट किया जाता है और लास्ट में इंडियन नेवी द्वारा राफेल मरीन को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। यहाँ तक की न्यूज के बारे में मोस्टली डिफेंस व्यूअर्स को मालूम है, लेकिन कई व्यूअर्स को ये नहीं मालूम है कि इंडियन नेवी ने राफेल मरीन को ही क्यों चुना, जबकि US नेवी का सुपर हॉर्नेट को चुनने के लिए कई फैक्टर्स द्वारा तगड़ी बैकिंग की जा रही थी। अगर एक जनरल पर्सन से इस बारे में पूछा जाए तो उसका जवाब यही होगा, क्योंकि राफेल ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स द्वारा यूज किया जा रहा है, तो इसलिए इंडियन नेवी ने भी राफेल मरीन को चुना। हालांकि ये पॉइंट भी वैलिड है, लेकिन जो पॉइंट या जो क्वालिटी इंडियन नेवी चाह रही थी उसने एक बड़ा अंतर पैदा किया, जिसके कारण राफेल मरीन ने सुपर हॉर्नेट जेट के ऊपर एज लेके ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। इंडियन नेवी एक खास टेक्नोलॉजी को अपने डेक बेस्ड फाइटर जेट में चाह रही थी और ये टेक्नोलॉजी है IRST, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। IRST कितना इम्पोर्टेंट और कैपेबल सिस्टम है, इसको मैं आपको एक न्यूज के जरिए बताता हूँ। आप में से काफी व्यूअर्स को ये पता होगा कि कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी कि कैसे एक इंडियन Su-30 MKI ने हिमालय रीजन के ऊपर एक चाइनीज J-25 जनरेशन के फाइटर जेट को ट्रैक कर लिया था और ये काम Su-30 MKI के ऊपर लगे IRST के जरिए किया गया था, क्योंकि J-20 जेट एक फिफ्थ जनरेशन का जेट होने के कारण इसको साधारण रडार से ट्रैक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर लगे स्टेल्थ कोटिंग रडार द्वारा भेजे गए सिग्नल को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो ये सिंपल रडार किसी काम के नहीं रहते। जबकि IRST एक पैसिव बैंड का सिस्टम है, जो कि सामने वाले फाइटर जेट से निकलने वाली हीट को कैच करके उसकी इमेज फाइटर जेट के मेन कंप्यूटर को भेज देता है, जिसके कारण दुश्मन देश का फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट भी पकड़ में आ जाता है, क्योंकि रियल सिनारियो में भी वो भी हवा में उड़ते हुए हीट तो जनरेट कर ही रहा है। अब आप लोगों के मन में सवाल भी उठ रहा होगा कि क्या IRST इतने काम की टेक्नोलॉजी है जो कि फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट को भी कैच कर सकता है, तो फिर फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट की अब क्या जरूरत है? तो ये भी पूरा सच नहीं है, क्योंकि IRST सिस्टम एक पैसिव सिस्टम है और ये तभी काम करता है जब आसमान एकदम साफ हो, मतलब बादलों को ये पैसिव सिग्नल भेद नहीं पाती हैं। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स और हैं जिसमें IRST सिस्टम काम नहीं करते हैं, और यही कारण था कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा खरीदे गए राफेल फाइटर जेट में लगे IRST सिस्टम की कैपेबिलिटी को देख के इंडियन नेवी ने भी राफेल मरीन को ही तवज्जो दिया। डेक बेस्ड फाइटर जेट के कॉन्टेक्स्ट में जब ये दोनों जेट ने कई पैरामीटर में परफॉर्मेंस को शो किया, तब इंडियन नेवी द्वारा इस टेक्नोलॉजी को केवल राफेल मरीन जेट में ही पाया। हालांकि बोइंग का सुपर हॉर्नेट कुछ पैरामीटर पे राफेल से 21 पड़ रहा था। सुपर हॉर्नेट अपने लेटेस्ट एवियोनिक्स और नेटवर्क वॉरफेयर के साथ एक रिलायबल नेवल प्लेटफॉर्म के लिए जाना जाता है। हालांकि इंडियन नेवी का झुकाव राफेल मरीन की तरफ देख के बोइंग ने भी सुपर हॉर्नेट में पॉडेड IRST को लगाने का सुझाव इंडियन नेवी को दिया था। ये पॉडेड IRST सुपर हॉर्नेट जेट के एक्सटर्नल फ्यूल के साथ अटैच होंगे। हालांकि बोइंग द्वारा ऑफर किए गए ये पॉडेड IRST सिस्टम इंडियन नेवी द्वारा पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिए गए। इंडियन नेवी के अनुसार जब फाइटर जेट जब किसी मिशन पे जाते हैं तो जरूरत पड़ने पे कभी कभी उनको अपना फ्यूल टैंक को भी ड्रॉप करना पड़ जाता है, और अगर इस केस में पॉडेड IRST फ्यूल टैंक से अटैच है तो वो भी फ्यूल टैंक के साथ एयरक्राफ्ट से अलग हो जाएगा, और इस तरीके से जरूरत के समय सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से आप कोई फायदा नहीं उठा पाओगे। और दूसरा, जो पॉडेड IRST बोइंग द्वारा सुझाया गया था वो भी डेवलपमेंट स्टेज पे था, और इसके अलावा भी इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स द्वारा सेम प्लेटफॉर्म का यूज होने पे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी काफी कम हो जानी है, क्योंकि दोनों ही प्लेटफॉर्म में लगने वाले पार्ट्स
80% सेम होंगे, जिसके कारण इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम हो सकेगा। और लास्ट में कोई भी अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट हमेशा कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ ही यूएस गवर्नमेंट द्वारा सेल किया जाता है, और इस केस में भी यूएस द्वारा किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ ही इंडियन नेवी को बेचा जाता, जो कि इंडियन नेवी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसी तरीके की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।